सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। गाइस, रोज़ की तरह आज की भी वीडियो में मैं आपको एक गजब की और इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाने वाला हूँ। गाइस, लगभग सभी मोबाइलों में प्लेट एप्लीकेशन इनबिल्ट होता ही है, बिकॉज कई सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्लेट एप्लीकेशन पर ही प्ले होती हैं, अदर किसी एप्लीकेशन पर प्ले नहीं होती हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको प्लेट की ही एक गजब की सेटिंग सिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप प्लेट के जो स्क्रीन है उस पर अपना मन पसंदीदा वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं, उस पर कस्टमाइजेबल वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो बहुत ही छोटी होगी, आपके लिए यूज़फुल भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, प्लेट एप्लीकेशन पर वॉलपेपर लगाने से पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट कनेक्शन को चालू कर लीजिए। देन आप ओपन कीजिए अपना प्लेट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चलेंगे ऐड, तो आप ऐड को कर देंगे स्किप। स्किप करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर गाइस आप देखेंगे नीचे आपको चार ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। आप यहाँ पर मी वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप देखेंगे फाइल ट्रांसफ़र, इसके बगल में जस्ट आपको एक फीचर थीम का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। मैं बता दूंगा इस यहाँ पर आप जितने भी VIP लिखे हुए पोस्टर देख रहे हैं इनको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इन्हें यूज़ करने के लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप चार्जेस पे करने की जगह पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी वॉलपेपर डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, और उसे यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। सो गाइस, मैंने यहाँ पर कुछ वॉलपेपर डाउनलोड करके रखे हैं, तो चलिए मैं उन्हें यूज़ करके दिखाता हूँ। तो आप करेंगे प्लस वाले आइकन पर क्लिक, देन यहाँ पर आपकी गैलरी खुलकर आ जाएगी। आपने जहाँ पर भी अपना वॉलपेपर सेलेक्ट करा होगा आप उसको कुछ इस प्रकार से क्लिक करेंगे, देन उसे करेंगे क्रॉप। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप उसको कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद गाइस यहाँ पर आप सही के निशान पर कर देंगे क्लिक, और उसके बाद कुछ ऐड चलेंगे तो आप इसको स्किप करेंगे। देन आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो वॉलपेपर है वो इस प्रकार से शो होगा। आप यहाँ से कर देंगे इसको कंफर्म, तो आपका वॉलपेपर जो है वो लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि ये कैसा लगेगा देखने में। सो गाइस, यहाँ पर मैंने कंफर्म कर दिया, मैं बैक आऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका वॉलपेपर जो कि है अप्लाई हो गया है। इसी प्रकार से गाइस, यहाँ पर जो दिए हुए हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये वाला यूज़ करके दिखाता हूँ, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देन सिंपली यूज़ पर कर देंगे क्लिक, और इस पर क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, और ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो इस प्रकार आप अपने प्लेट एप्लीकेशन पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।